जयसवाल और आप देख रहे हैं केके न्यूज 24। कुशीनगर में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 10 जनवरी को देवरिया महुआ डी मोड़ से थाना कोतवाली हाटा पुलिस व स्वाट की संयुक्त टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय पर एक अपाची मोटरसाइकिल व अवैध शस्त्र के साथ 3 साथी लुटेरों को गिरफ्तार कर भेजा। जी हां, बता दें कि पुलिस अधीक्षक सचिंद्र पटेल के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्र अधिकारी कासिया पीयूष कांत राय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में महुआ डी मोड़ से थाना कोतवाली हाटा पुलिस व स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 271/2021 धारा 392 भारतीय दंड विधान से संबंधित 3 नफर अभियुक्तों के पास से 1 अदद कट्टा 12 बोर व 1 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर तथा 1 अदद पिस्तौल 36 बोर एवं 1 अदद गुप्ती कटारी एवं घटना में प्रयुक्त 1 अदद अपाची मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर आवश्यक विधि कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया। घटना सर जो आज गिरफ्तारी हुई है किस मामले में, किस संबंध में गिरफ्तारी हुई? पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है उसी के तहत एक मुखबिर की सूचना पे आज सुबह कुछ लोगों पे संदेह हुआ और उनकी पूछताछ की गई और जब तलाशी ली गई तो 3 अभियुक्त जो मिले थे उनके पास से 1 32 बोर का पिस्टल और 1 तमंचा 12 बोर का और 1 लंबा चाकू गुट्टी जैसा ये बरामद हुआ। फिर उनसे पूछताछ के लिए थाने लाया गया। जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि एक घटना थाना क्षेत्र हाटा में पटना मिसरौली के पास बुद्धा कॉलेज है वहाँ पे हुई थी बाइक लूटने की। जून में ये घटना घटित हुई थी तो उस बाइक को लूटने की घटना उन्होंने स्वीकार किया था। उस घटना में बाइक और 1 मोबाइल फ़ोन लूटी गई थी। पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पे मोबाइल का चलना भी पाया गया और उसका जो पीछे का हिस्सा है बताया गया उनके द्वारा कि कुछ दिन पहले ही उसको तोड़ करके फेंक दिया गया है तो जहाँ फेंके थे वहाँ से उसको बरामद किया गया है। बरामदगी हुई है और उनके पास से अवैध असलों की भी बरामदगी हुई है। कड़ाई से पूछताछ किया गया और अन्य जनपदों से संपर्क किया गया तो इनके विरुद्ध देवरिया जनपद में कई मुकदमे भी इनके विरुद्ध पंजीकृत हुए हैं और जिनमें ये जेल भी गए हैं। कुछ 302 के भी मामले हैं, लूट के भी इनके मामले हैं। इस तरह से बहुत ही अभ्यस्त अपराधी थे जिनको पकड़ने में और अपनी लूट की घटना को अनावरण करने में हाटा पुलिस सफल हुई है। हाटा पुलिस और एसओजी जनपद की दोनों के संयुक्त अभियान से ये सफलता मिली है जो सराहनीय।